सो गाइज, रियलमी वो कंपनी है जो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च कर चुकी है और अगले साल भी ये काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करने वाली है, फिर चाहे हम बात करें मिड रेंज सेगमेंट या फिर बजट सेगमेंट की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी के स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगे। सो हैलो एंड वेलकम टू अपना टेक अड्डा एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन हैं जो आपको काफ़ी जल्दी ही इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले होने वाली है Realme X7 सीरीज़। इसके अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिसमें Realme X7 और इसका प्रो वेरिएंट होगा। ये दोनों ही स्मार्टफोन 5G अनेबल होंगे, साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छा कैमरा सेटअप मिल जाएगा और अच्छी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ बताए गए स्मार्टफोन्स की फुल स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। Realme X7 सीरीज़ के बाद बात करते हैं इसके नार्जो सीरीज़ के बारे में। तो इस साल हमें नार्जो 20 सीरीज़ में 3 स्मार्टफोन देखने को मिले थे और काफ़ी कमाल किया था Realme ने इन स्मार्टफोन्स के साथ। इस साल की तरह नेक्स्ट ईयर भी फरवरी तक आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिसमें नार्जो 30 होगा, इसका प्रो वेरियंट होगा और एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन नार्जो 30A होगा। तो आप मान सकते हैं ये स्मार्टफोन्स आपके लिए परफेक्ट होंगे और आप 15,000 के रेंज में एक स्मार्टफोन देख रहे हैं। इसी बजट में एक और स्मार्टफोन है जो कि इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे देखा गया है और ये स्मार्टफोन है Realme C20। इससे पहले इस सीरीज़ में आपको C12 और C15 देखने को मिले थे और C17 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, पर अब ये कंफर्म हो चुका है कि 10,000 to 12,000 के प्राइस रेंज में Realme C20 आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एवरेज स्पेक्स के साथ में आएगा। अब बात करते हैं इसके फ्लैगशिप सीरीज़ की, तो Realme X50 सीरीज़ का सक्सेसर आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो ये होने वाला है Realme X60 सीरीज़ और ये भी BIS सर्टिफिकेशन पे लॉन्च हो चुकी है। तो अब आप ये मान सकते हैं कि बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। इस सीरीज़ में आपको इस बार स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल रहा था जो कि स्नैपड्रैगन का अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। इसी के साथ यहाँ पे एक अच्छा कैमरा सेटअप और अच्छी चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। Realme X50 की तरह ही ये भी एक अच्छे प्राइस सेगमेंट पे आएगा। इसके बाद बात करेंगे Realme की न्यूमेरिक सीरीज की, तो Realme 7 सीरीज का सक्सेसर भी नेक्स्ट ईयर तक फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको Realme 8, 8i और इसका प्रो वेरिएंट देखने को मिलेगा। Realme 7 सीरीज में एक एफिशिएंट प्राइस पे काफी अच्छा स्पेक्स देखने को मिला था, ठीक वैसे ही आप Realme 8 सीरीज से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और स्मार्टफोन है जो कि बिल्कुल ही अलग है Realme के तरफ से, Realme रेस। इस स्मार्टफोन में आपको 125 वाट के चार्जिंग देखने को मिल सकती है जो कि Realme की अब तक की सबसे फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो ये है पूरी लिस्ट Realme के स्मार्टफोन्स की जो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो सकती है। आप कमेंट करके बताइए आप किस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं। तो बस गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कीप सपोर्टिंग एंड बी अपग्रेडेड विद अस।